वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु जी संत सहाई जी के पाव जल तार नहार सब ते उच्चे जानिए नानक नाम प्यार आए ने जान पार उपकारी आए ने जान पार उपकारी आए बीबियां बोलो आए ने जन्म पर उपकारी आए ने जन्म पर उपकारी जन्म मरण दोहूं मनाइया परोपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर तो लैन मिलाए परम सत्कार योग गुरु की साजी नवाजी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत सारे गज के पते बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपने अज बहुत वड्डे भाग तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह थवाओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ये फैसला है पंजवें पातशाह महाराज जी का भई साधु संसार नू तारन वास्ते वाहिगुरु दे हुक्म विच आउंदे कले आवै नानका सदे उठी जाहे वाहिगुरु भेजदा ते जिन्नी जिम्मेवारी उन्हें दित्ती वाहिगुरु ने उन्होंने पूरी करके फिर ओदे हुक्म अनुसार जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज तेती घर आवो। फिर वाहिगुरु कहिंदा आ जाओ हुण तुसी थोड़ा काम कार्ज पूरा हो गया। वो फिर अपना कार्य करके मनुखता का भला करके वाहिगुरु जी के चरणों में जा विराजते हैं। महाराज जी ने संसार विच आके साध संगत एक तो महाराज जी वर्गी मर्यादा किसी की नहीं है साध संगत बड़ा डिसिपलन जिन्हों आप कहने अनुशासन कहने इन्नी बरीकी दे विच महाराज ने ये गल नू नभाया साध संगत प्रशादा छकन की गल पहनण की गल प्रशादा छकना तो सवेरे 6 बजे छकना एक सकेंट अगे पिछे नहीं हुंदा। धन बाबा तेजा सिंह जी महाराज प्रशादा लैके आउंदे 6 बजे सही हाजी का प्रशादा छकना फिर 11 बजे संत महाराज जी ने दोपहर का प्रशादा छकना 5 घंटे बाद उस तो बाद फिर शाम 6 बजे
बस ये रंचक मात्र भी फर्क नहीं सी, बाकी कीर्तन विच देख लो कदे एक सकेंट घट ना वध। पंक्चुअलिटी ऐसी सी, अंग्रेज भी जदों महाराज इंग्लैंड गए वो भी हैरान हो गए भी इहो जे महापुरश आए ने जिन्हां ने अंग्रेजां नूं भी फेल कर दिता। ऐसे मर्यादा दे विच महाराज जी साध संगत सानू भी सिखाया बहुत कुछ, उन्हां दी शिक्षा दा ही सदका। कबीर सेवा कौ दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। उन्हां दी ड्यूटी ये है साध संग, उन्हां तों बिना ये जानी संसार दा भला हो ही नहीं सकता। साध संगत ਪੜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਪੁਰਾਣ ਦੇ, ਪੜ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਪੁਰਾਣ ਦੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਕਾਰੇ ਕਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦਸਵੀਂ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਪਾਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਪੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ।
महापुरशां ने उस वेले कहा भी ये सेवा बड़ी कठिन है, जानी गुरपीरां की चाकरी महा करड़ी सुख सार, करड़ी है सेवा आप गवाइए ता छो पाइए, अपने आप नू मिटा के सेवा होवेगी, आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान, क्योंकि गुरसिखी कमाउणी औखी है ना सात संगत। गुरपीर